बानो शफीक अहमद, जिला परिषद उर्दू स्कूल सारबेटा, तालुका अमल ने की मौलिमा हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने जमात सुहम की दर्सी किताब माहौल का मुतालिया में सबक नंबर 11 हमें हवा की जरूरत इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की है कि हमें हवा की जरूरत क्यों होती है और हवा के बिना हम रह सकते हैं या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे चंद सवाल के जवाब दें। सवाल नंबर 1, क्या आप बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, आप बीमार पड़ते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? बहुत अच्छे, आप क्या करते हैं? दवा खाने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाएं इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 3, आप जब सेहत याब हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? बहुत अच्छे, आपको जरूरत होती है अच्छी गिजा की, फलों की और दीगर गिजाई अशिया की। प्यारे बच्चों, अब आप इन तस्वीर का मुशायदा कीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4 और तस्वीर नंबर 5। प्यारे बच्चों, इन तस्वीर के मुशाहिदे से आपको क्या समझ में आया? बहुत अच्छे, आपको ये समझ में आया कि तस्वीर में मौजूद बच्चे के कद और वजन में इजाफा हुआ। शाबाश, आपको और क्या बात समझ में आई? गुड, आपको ये बात समझ में आई कि बच्चे के कद और वजन में इजाफा उसके इस्तेमाल की हुई गिजा की वजह से आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कद और वजन में इजाफे के लिए गिजा की जरूरत होती है, यानी हमें गिजा का इस्तेमाल हर हाल में करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि गिजा हमारी बुनियादी जरूरत है। तो आइए आज हम जमात सुहम के दर्सी किताब माहौल का मुतालिया में सबक नंबर 12 हमारी गिजाई जरूरत इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और जानते हैं कि हमें गिजा की जरूरत कब और क्यों होती है।